कभी होता था पिशावर पिंडी यहाँ पे लड़के हम तैयार करते थे और वो आज चले गए दिल्ली नोएडा में, बच्ची टीम बन गई है, हिंदुस्तान ने बड़ा इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में। लेकिन जो एक चीज हिंदुस्तान इनमें इंजेक्ट नहीं कर सका वो है सेंस ऑफ मैच्योरिटी। वो कैसे आएगी बैटिंग में, वो भी सिखाना था ना हिंदुस्तान ने, वो भूल गए। वो तो ये मानेंगे शानदार बैटिंग की है सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जिसको बहुत सारे लोग कह रहे थे निकालो बाहर करो फारिग है, तो उसने दिखाया भाई अभी वो फारिग नहीं है, खौफनाक बैटिंग, 35 बॉलों में 50, सूर्य और हार्दिक की पार्टनरशिप वो काफी बेहतर थी पांचवी विकेट के लिए। क्यों अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के आगे आके थोड़ा सा, क्या उनके ऑरा से उनकी प्लेयर्स के स्टारडम से थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाता है? लगता है ऐसा कि जैसे जितने भी मैच हुए आज तक उनके वो हारे 13-13 हारे हैं, तो वो ऑस्ट्रा को जाते हैं, बड़े प्लेयर हैं आप कोहली रोहित शर्मा इन सबको, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बड़े रन के बगैर भी अगर इंडिया इतना आगे जा रहा है, इतना एडवांस जा रहा है कि वो इतने अच्छे 180 पार कर रहा है इस विकेट पे जहाँ पे कमेंटेटर्स कहते हैं 160-165 से ऊपर 160-165 रन पर जो है यहाँ मैच जीत जाना चाहिए। अफगानिस्तान अभी तक जो है वो कोई भी मैच नहीं जीता इंडिया के मुकाबले में, थिंक जो है वो पहले करते हुए भी इंडिया जीता है, दूसरे करते हुए भी इंडिया जीता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टॉस करके भी इंडिया अफगानिस्तान को हरा सकता है इस पोजीशन में। उसकी क्या वजह है? मजाक कह रहा हूँ सर। उसकी क्या वजह है? वो ऐसे ही लोगों ने मशहूर किया हुआ है ना यार, अफगानिस्तान तो इंडिया के सामने हार जाता है। अच्छा, लेकिन असकर हमने ये देखा है खासकर अफगान टीम के हवाले से कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने से बढ़कर खेलते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, शायद एक दोस्ताना कल्चर भी है। ये जो अफगानिस्तान की टीम है इसकी पूरी परवरिश तो हमने की है, इस्लामाबाद में पिशावर में से हमने ही क्रिकेट खेलना सिखाया, हमारे ही क्रिकेटर जाकर अफगानिस्तान में इनको ट्रेनिंग देते रहे। हाँ। लेकिन फिर ये अचानक इनके जो मफादात थे ना ये चेंज हुए, और ये मफादात चेंज हुए सिर्फ पैसों पे, और ये डाइवर्ट हो गया इंडिया की तरफ। हाँ। अच्छा, जो किया सूर्य ने किया भाई, ये 50 मार कैसे लेता है? हाँ। फसावा विकेट हो, हाँ। आसान विकेट हो, ये पर्थ का विकेट हो, ये कैसे खेल जाता है? पर्थ का विकेट हो, खेलने गया यार, बाकी लोग गए। हाँ। खेलने, मेरे अब्बू भी छोड़ो चलो तुम, मैं ये बताओ ये सूर्या कैसे खेल जाता है? सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 ऑफ T20, सूर्या कुमार यादव अब्बू जी ऑफ T20, अब्बू जी ये सूर्या कुमार यादव के लिए भाई मैं बजाने लगा हूं, जो उस बंदे ने आज बजाया ना पकड़ के, मैं कहता हूं चस आ गई है, ये सूर्या कुमार यादव के लिए है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों ये मैच शुरू होने से पहले बहुत सारे सवाल था, सवाल ये था कि न्यूयॉर्क और वेस्टइंडीज दोनों का कंडीशन बिल्कुल अलग है, वहां पर भारत तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है लेकिन भारत पहला सुपर एट का मैच वेस्टइंडीज कंडीशन में खेला है तो किस तरह का परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन भारत ने शुरू तो काफ़ी स्लो किया था लेकिन हम मैच जीत गए। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये रोना चल रहा है कि अफगानिस्तान तो जानबूझकर भारत के साथ हार जाता है, पहले भी हारे हैं और आज भी हार गए, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन उनका तो रोना बनता है क्योंकि उनका टीम सुपर एट में है नहीं और भारत है और अब इंडिया का चांस इजीली सेमीफाइनल तक हो गया है तो उनका रोना चलता रहेगा। दोस्तों आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलता है, एक बॉल एक छक्का तो ऐसा मारा बॉल ही खो गई, फिर पांड्या को खा रहा है, पांड्या ने भी वही मार दिया पकड़ के, वहां पे भी बॉल खो गई, तो ये डर खत्म कहां से हुआ है इनका? कौन गारंटिया रहे, ये कॉन्फिडेंस कहां से खरीद रहे, कौन सा सप्लीमेंट खाते हैं कि ये छक्के हर जगह मारते? अब तुम्हारी ऐसी की तैसी सुपर एट में अगर तुमने सूर्या की इनिंग देखने के लिए जिंदा हो तो लानत है, वो तो बहुत पहले से खेल रहा है, उससे कोई डिफरेंट थोड़ी किया। राशिद अमेजिंग सेंसेशनल, बट थैंक्स टू ऋषभ पंत, थैंक्स टू दुबे, थैंक्स टू कोहली, तीन विकेटें मिल गई, आज तक नहीं ले सका था, आज तक राशिद एक विकेट नहीं ले सका था इंडिया के खिलाफ, आज ले गया। स्काई अच्छा खेला, फ्लूका चढ़ा दिया, बॉल स्लोअर वन मार गया वो, हार्दिक पांड्या अच्छा खेला, ग्राउंड के बाहर छक्का मारा ऑन टॉप ऑफ द रूफ, अगली बॉल गलत LBW दिया, बच गया, आउट हो गया। रोहित शर्मा अजीबो गरीब शॉट, भाई आप थोड़ा इंतजार करें, पिच स्लो है। दुबे साहब ये IPL नहीं है भाई, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इनको अपना ग्राउंड भी दिया प्रैक्टिस के लिए अपने तमाम पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया ने इनको इस्तेमाल किया और इनको समझ में ही नहीं आया। हाँ। कि इनके साथ तो गेम क्या हो गया। देखिए कभी हम भी दोस्त हुआ करते थे
और हमारे साथ भी अफगान टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आस्ते आस्ते जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई और ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त से ही सारे मामलात हुए और वहाँ आगे जाने के बाद और फिर इसी T20 वर्ल्ड कप में मौजूदा जो है जब शाहीन शाह आफरीदी के साथ बदतमीजी की गई और फिर लास्ट वर्ल्ड कप में जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज और जो हरकतें की गई हैं वो सब काबिल मजम्मत थी और काबिल मजम्मत हैं। हम ये नहीं कहते, कोई एहसान नहीं जताते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हम ही उन्हें वाम पे लाए, हम ही रहे महरूम, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख लड़ाई गैरों ने। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे अपने लोगों के लिए भी और खुद अफगानिस्तान के लिए भी। लगा दिया बंदे ने पकड़ के, विराट कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, बॉलिंग सामने कौन कर रहा है, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, फजल हक फरूकी, मतलब सूर्या कुमार यादव ने जो पकड़ के बजाई है आज, वो किधर गए हैं मेरे घंटे के फैंस, मेरे घंटे के किंग, किधर गए हैं मेरे घंटे, किधर गए हैं जो कहते थे सूर्या कुमार यादव तो जी वो आईसीसी मेंट में तो चलता ही नहीं है, ये तो फारग है, ये तो ये है। तो बेटा आपके अबू, आपके पापा, आपके पापा स्काई ने आज तो बजा दिया पकड़ के, आपके पापा स्काई ने पकड़ के आज बजा दिया सबकी। आज उसने बता दिया कि अगर विराट नहीं चला, रोहित नहीं चला, तो T20 का पापा तो मैं हूं, T20 का पापा तो मैं हूं, तो T20 में मेरा पापा इज्म चलेगा, मैं बजाऊंगा पकड़ के घंटा सबका। होता है अक्सर ऐसा, अभी उनकी 3 मैचों की सीरीज भी हुई थी इस साल के शुरू में, उसमें भी वो एक मैच तो डबल सुपर ओवर में गया। बिल्कुल ऐसा ही है का, तो मैच जैसे वो देखें, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि क्लोज जाके हारें, वन साइडेड ना हारें, लंबा रन से अगर हारेंगे तो नेट रन रेट भी फाइनल कैलकुलेशन में आएगा सुपर एट में। उनके जो अगले 2 मैच हैं वो सेंट विंसेंट में हैं, जो कि कंडीशंस स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूट करती हैं, तो उनको वो दोनों ज़्यादा टारगेट करने पड़ेंगे। अगर आज का मैच वो हार भी जाएं, लेकिन उन्होंने ये देखना होगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को और बांग्लादेश को किसी तरह हराना है। 2023 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट वो करीब आ गए थे, वो तो ग्लेन मैक्सवेल की एक वर्ल्ड क्लास इनिंग्स थी जो उनको हरा दिया था। तो अफगानिस्तान को आज का मैच पूरे जो उससे खेलना चाहिए कि कम से कम अगर हारें भी तो कम रन अगर कवर्ड आपने सही। देखिए भारत की बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि विराट कोहली का इंटरनेशनल मैच में ओपनिंग करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, IPL में करते हैं और इस साल IPL में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन अब तक लग रहा था कि शायद आज के मैच में चले जाए, लेकिन मतलब बैटिंग उनका अच्छा परफॉर्मेंस वो किए, लेकिन आज भी वो नहीं कर पाए, 20 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों को ओपनिंग आगे भी जारी रखना चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इतने बड़े प्लेयर है, इतने सारे इनिंग्स खेल चुके हैं, अगर हम उनके पूरा टोटल 15-20 साल के उनके कैरियर में इनिंग्स को मिला दे, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और क्लब लेवल का एक 1000 प्लस इनिंग्स हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको आज तक यह समझ नहीं आया कौन सा कंडीशन है और उस कंडीशन के हिसाब से मैं किस तरह का शॉट मतलब सिलेक्शन करूँ। आज जो जिस शॉट खेलकर वो आउट हुए, इस पिच में ये इस तरीके का शॉट नहीं बनता था, फिर भी उनको कौन समझा। इस तरीके के शॉट खेलने के चक्कर में इंडिया एक वर्ल्ड कप हार गई फाइनल में, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद है अब तक ये दोनों रन नहीं बनाए हैं, गलती पर गलती करते जा रहे हैं। उनका जो बड़ा इनिंग्स है ठीक टाइम में आए, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो या फिर जरूर जब भारत को होगा, अब तो लग रहा है कि सेमीफाइनल फाइनल दोनों, ये दोनों के लिए भारत को टेंशन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाला आखिर मैच है, बांग्लादेश के साथ तो हमें आसानी से जीत जाना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया का मैच का जो एक तरीके से आप कह सकते हो रिजल्ट, भारत का सेमीफाइनल जाना या ना जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं करेगा। अगर भारत जीत जाता है तो कॉन्फिडेंस होकर जरूर जाएगा, अगर हार जाता है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो एक बुरा मोमेंट है वो इधर ही टूट गया। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, अब तो पाकिस्तान का और रोना-धोना आएगा इस रिजल्ट के बाद, अब देखना होगा क्या क्या रोना-धोना करते हैं और जल्द मैं आप सबके लिए वीडियो लाऊंगा। दोस्तों इस टॉपिक पर जो भी आप राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।